शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्वनिशन। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसका दंश हर वर्ष बिहार वासी झेलते हैं। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो चारों ओर तबाही का मंजर दिखा जाती है। एक ऐसी आपदा, एक ऐसी विपदा की घड़ी जिससे लोग हर रोज अपनी जिंदगी जीती तो है लेकिन दहशत में। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के लगभग 28 जिले इस वक्त बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, बाढ़ जैसी विपदा से जूझ रहे हैं और अलग अलग भयावहता की तस्वीर सामने आती है। इसी कड़ी में एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है भागलपुर के नौगछिया से, जहां पर रातों रात एक ग्रामीण का घर कटाव की वजह से नदी में समा गया। जी हाँ, हजारों लाखों लोगों के आशियाने इस बाढ़ की चपेट में आकर उजड़ जाते हैं। पहले आप इस पूरी तस्वीर को देखिए। समुचे रही गलूरा कुटुंब ऑर्डर कर लो टेंकियो के ले जन हमरा टेंकी। जे थे रह गए निस्तना बुदे वाला हिसाब किताब से। हाँ हो बेपुर प्रखंड के हरिओ पंचायत के कोसीपार गांव का हारपुर इन दिनों कोसी कटाव के मार झेलने को विवश है। सुबह में ग्रामीण मनीष सिंह का घर कोसी के गर्भ में समा गया। व्यवस्था ऐसी है कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा। कटाव से कहारपुर ग्रामीण भयभीत होकर भगवान भगवान का जप कर रहे हैं। वहीं गांव की सुध लेने के लिए अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। ये सारी बातें गांव के ग्रामीण सनातन सिंह, बिट्टू सिंह, शंकर यादव, कैलू शर्मा, भकुल शर्मा सहित दर्जनों लोगों ने बताई है। कोसी के रौद्र रूप को देखकर ऐसा लगता है कि गाँव के अस्तित्व को खत्म कर ही छोड़ेगा। उधर दक्षिण दिशा से कोसी का कटाव बड़ी तेजी आगे बढ़ रहा है। अब कटाव से लोग अपने ही अपने हाथों घरों को तोड़कर हटा रहे हैं और घर के सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को विवश हो गए हैं। जिन लोगों का घर कोसी में समा गया है वो दूसरों के खाली घर में रहने को विवश हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है मगर अभी तक किसी प्रकार की राहत प्रशासन के द्वारा नहीं मिली है। कोसी कटाव पिछले वर्षों की तरह और भी भयावह आगे बढ़ रही है। ग्रामीण ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल के अधिकारी ना ही फ्लड फाइटिंग के अधिकारी गाँव में हो रहे कटाव को देखने भी नहीं आ रहे। हालांकि फ्लड फाइटिंग का काम हुआ है पर कोसी के इस भयानक कटाव से कुछ भी असर नहीं पड़ा। अब तक 21 लोगों का घर कोसी में समा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का अस्तित्व लगता है कि नहीं बचेगा। तो लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो पीड़ा हम झेल रहे हैं शायद ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में गांव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और कोसी नदी में प्रवाहित हो जाएगा। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बाढ़ की भयावहता की तस्वीरें सामने आती हैं वो हम सभी देखकर हतप्रभ रह जाते हैं और जो विवशता है वो लोगों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जरा आप इस बात से ही अंदाजा लगाइए कि अगर खुद ही अपने हाथों से अपने आशियाने को उजाड़ना पड़े तो वो एहसास, वो भावना उस वक्त कैसी होती होगी। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त बाढ़ के कहर से बिहार के अलग अलग जिले परेशान हैं, त्राहिमाम है, जनता त्राहिमाम कर रही है, ऐसे में सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लाख दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से हर वो जोर आजमाइश हो रही है, हर वो कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से जनता को इस तरह की परेशानी से निकाला जा सके। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सब कुछ बयां कर जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।